कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है सादिक सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर करेंगे और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो पाकिस्तान डीपली शॉक्ड, 100 से ज्यादा देशों ने भारत से मदद मांग ली, और ये क्यों मदद मांगी गई है आइए मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन दबाना करना मत ही भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओ तुम्हारा सही है क्या? तुम्हारी जमहूरियत फेक, हम वो बदनसीब हैं जिनकी आमरियत भी फेक। कहा यह जा रहा है कि दुनिया के 100 से ज्यादा जो ममालिक हैं उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है कि इलेक्शन के हवाले से उनकी मदद की जाए या ट्रेनिंग दी जाए। आप यूं समझ लो कि उन्होंने कासे कशकोल डंगों के साथ बांधे हुए हैं, वो मांगते भी इस तरह हैं जैसे छीन रहे हों। नॉर्मली कभी ये सुना नहीं है कि कई ममालिक जो हैं वो अपनी जो इलेक्शन की स्किल्स हैं या जो टेक्निकल कैपेसिटी है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हों। बट स्टाफ लेवल अग्रीमेंट अभी नहीं हुआ, तो ये एज पर एक्सपेक्टेशन है या दिस इज अनयूजुअल? देखिए, IMF के स्टाफ का पाकिस्तान से बगैर मुआहदा किए वापस जाना, इंडिया के हवाले से ये इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया अपनी इलेक्शन स्किल्स को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। मालदीव्स will very soon launch India's rupee service. वो RUP होता ना, रुपए, वो सर्विस लॉन्च करेगा। ये बहुत बड़ी तादाद है। एक तरफ पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को कोई मानता ही नहीं है। जिन्होंने दुश्मना दी लोड़ नहीं हुंदी, आप अपने लिए खुद काफी हैं। या उस पॉलिटिकल सिस्टम को जिस अंदाज से करवाया जाए वो इस तरह का हो कि लोग कहें कि नहीं, हमें ये पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ने चर्चा कराया कि लगभग 100 से ज्यादा देशों ने भारत से मदद मांग ली है, और ये मदद उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से मांगी है। जैसे भारत इतने बड़े चुनाव सिस्टम को हैंडल कर रहा है, यह सभी देश भारत से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत की नफरत में पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को बनाया, आज वही उसके गले की हड्डी बन चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान के उसके सभी पड़ोसियों के साथ संबंध खराब है। पाकिस्तान के वैसे तो 3 पड़ोसी हैं, लेकिन POK पर कब्जे से उसकी सीमा चीन से लगती है, जिससे उसके 4 पड़ोसी हो जाते हैं। भारत से तनाव तो पाकिस्तान के बनने के बाद से ही है, लेकिन इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संबंध किसी भी पड़ोसी से अच्छे नहीं कहे जा सकते। संघर्ष और टकराव पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती है। इसे लेकर हाल ही में सीनेट रक्षा समिति के अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन ने एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने सभी पड़ोसियों के साथ खराब रिश्तों का जिक्र किया। कहा यह जा रहा है कि दुनिया के 100 से ज्यादा जो ममालिक हैं उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है कि इलेक्शन के हवाले से उनकी मदद की जाए या ट्रेनिंग दी जाए। ये बहुत बड़ी तादाद है। एक तरफ पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान के इलेक्शन को कोई मानता ही नहीं है कि इस मुल्क में जो इलेक्शन हुए हैं, मैं किसी दिन अगले दिन किसी ऐसे बंदे को मिला जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, तो मैंने कहा जी हाउ डिड यू सी पाकिस्तान इलेक्शन, उन्होंने कहा डू यू कॉल इट इलेक्शंस, मैं एंड देन आई जस्ट स्टेप बैक एंड मैंने कहा मतलब दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड इज सेइंग रिसेंटली, यानी कि इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब इवन के पाकिस्तान की जो इस वक्त अपोजिशन पार्टी है, गो के पाकिस्तान के अंदर तो कभी भी किसी हुकूमत ने अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो इलेक्शन रिजल्ट नहीं एक्सेप्ट किए जाते। लेकिन आप देखें कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के भी इलेक्शंस करा रहा है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पहली दफ़ा इलेक्शंस हुए, जब तालिबान रजीम, जो पहला तालिबान रजीम था जब ख़त्म हुआ, तो जब इलेक्शंस हुए तो इंडिया वॉज द वन कंट्री जिसने ये इलेक्शंस करवाए। अब ये देखें, दैट इज हाउ द वर्ल्ड नोज इंडिया देयर। या वो कहते हैं जी कि हमने आपकी पार्लियामेंट बनाई,
या वो कहते हैं जी कि हम तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए आए हैं, या वो कह रहे हैं कि जी हम तो यहाँ सिर्फ आपकी मदद कर आए हैं, हमारा तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है, या हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी वापस आए और हम आपके सपोर्टर हैं। सो ये क्वेश्चन है। इसी तरह नेपाल के अंदर कहा जा रहा है, जब वहां पर सिविल वॉर बंद हुई तो इंडिया ने वहां पर इलेक्शन कराए। सो एक्सपोर्टिंग इलेक्शन is considered as an India's soft power. When Americans engage with India, और वो यही बात करते हैं, वो कहते हैं ना, we are the fellow democracies. हम क्या हैं? Fellow democracies हैं. तो India इस चीज की pledge लेता है. So it means कि आपका जो political system होता है, वो political system अगर इस तरह का हो, या उस political system को जिस अंदाज से करवाया जाए, वो इस तरह का हो कि लोग कहें कि नहीं, हमें ये पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए और इसके जरिए हमारे मुल्कों में बेहतरी आ सकती है। मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा अदारा है नादरा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। दुनिया बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक के अंदर पाकिस्तान अपनी सर्विसेज उनको एक्सपोर्ट करता है, उनको बताया है कि कैसे डाटा इकट्ठा करना है या अपने आप को डिजिटाइजेशन की तरफ क्या करने लेके जाना है। पाकिस्तान ने मदद की है उन मुल्कों की, लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज है, ये एक आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये आपका एक जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये कौम का, मुल्क का सोचने का अंदाज है। इट मीन्स कोएग्जिस्टेंस, इट मीन्स प्लुरलिज्म, इट मीन्स बिलीविंग इन मैरिट, इट मीन्स ट्रांसपेरेंसी, इट ऑल्सो मीन्स अकाउंटेबिलिटी, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। सो जब आप 5 साल के बाद लोगों के पास जाते हैं तो ये आप ये चीजें लेके जाते हैं। सो इंडिया इन चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है अपने इलेक्शन प्रोसेस को। अब इंडिया ने जो अपना इलेक्शन कमीशन है, उसने जब अपना इलेक्शन कराया बैक इन 50s, अब उस वक्त दे डिडंट हैव दैट मच, बट स्किल्स नहीं थी, लेकिन देन स्लोली स्लोली उस वक्त भी उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि अभी तो ये उनकी ट्रेड बन गई है। दुनिया के 109 मुल्क जो हैं, वहां पे लोगों को ट्रेन किया गया है, इलेक्शन करवाने वाले लोगों को इंडियंस हैं। तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोगों को, इलेक्शन ऑफिशियल्स को 109 मुल्कों में ट्रेनिंग दी गई है। ये काम अमेरिकन्स भी करते हैं, ये काम यूएन भी करता है, ये काम और अदारे भी करते हैं, पाकिस्तान में भी किया जाता है। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते, एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते इंडिया जारी बात है इस चीज को जब देखता है तो दे हैव अ पॉइंट, उनके सामने एक पॉइंट आता है, लोग देखते हैं। अ कंट्री विच जस्ट रिसेंटली, जिसने अपनी जो फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर जो है उसको ओवरटेक किया हो एज ए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और वो बरतानिया को कह रहा हो कि हाँ ठीक है तुम भी ये करते हो, लेकिन देखो मैं भी ये करता हूँ, मैं भी ट्रेनिंग दिलवाता हूँ, मैं भी इलेक्शंस के हवाले से काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं लेकिन हम भी कर रहे हैं। सो 70,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो इंडियंस ने ट्रेन किए हैं 109 मुल्कों के अंदर, और इनमें से मेजॉरिटी जो है वो अफ्रीका। यही तो वजह है कि अमेरिका नीड्स इंडिया इन अफ्रीका, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है अफ्रीका के अंदर। यानी कि इंडिया अमेरिका डायलॉग हो रहा है कि अफ्रीका के अंदर अमेरिका की पेनिट्रेशन कैसे बढ़ानी है, एंड अमेरिकन नीड्स इंडियन हेल्प। और इस पे आपको पता है, कल मैंने बात भी की थी। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था। और वीडियो था कि इंडिया से 100 से ज्यादा देशों ने मदद मांग ली है और पाकिस्तान आज भी IMF के दीवार पर पड़ा हुआ है, और इसको भीख मांगना कहें, इसको क्या कहें और क्या ना कहें, लेकिन मजबूरी है हमारी और हमारी मजबूरी कोई समझता नहीं है। अब देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो दुनिया भर में आवाजें लगा रहे हैं कि आओ इन्वेस्टमेंट करो, आओ इन्वेस्टमेंट करो, अभी हमें भीख नहीं चाहिए, हमें कारोबार दो, हमारे साथ कारोबार करो, यहाँ से पैसा बनाओ और यहाँ के लोगों में भी खुशहाली आए और आप भी यहाँ से पैसा बना के ले के जाओ। बहुत सारे मौके हैं और हकीकी तौर पर बहुत सारे मौके हैं, लेकिन कमी पता क्या है, कमी ये है कि एनवायरनमेंट नहीं है, लोग सोच नहीं रखते कि यहाँ हमें बेहतरीन। अब देखिए, चाइना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान में, क्या उनको सेफ माहौल फ्राहम कर सके हम?
नहीं कर सके। चाइना से ज्यादा और कौन सा मुल्क हमारे से करीबी होगा, तो हम जब उनको नहीं सेफ माहौल फ्राहम कर सके तो और कौन से दुनिया के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। तो लोग तो पहली बात से ही डर जाते हैं कि ये दुनिया की ऐसी जाहिल तरीन कौम है। अब कल ही सरगोधा में एक वाकया ले लीजिए, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, और ऐसे ऐसे बहाने घड़ते हैं ये लोग और समझ से बाहर है, टूट पड़े उन पर भूखे भूखों की तरह और लूट लिया सब कुछ बेचारों का, और फिर ऊपर से हमारी मुसलमानियत और हम ही सबसे बड़े मुसलमान, और शर्म करो डूब कर मरो, और उन लोगों के गरीबों की शॉप्स के लूट कर ले गए सिर्फ एक बहाना बनाकर मजहबी और ब्लैशफेमी का, बस इल्जाम लगा दो किसी पर, किसी की जाने ले लो, किसी के घरों को जला दो, और फिर इस सब के चलते हुए हुकूमतों पर तनकीद करोगे आप लोग के भाई ये हुकूमत डिलीवर नहीं हमें कर सकी, ये तो करप्ट हैं, इन्होंने लंदन में अपनी जायदादें बना ली हैं। ओ खुदा के बंदो, तुम किस काबिल हो? तुम कोई ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो कि बाहर से कोई आके यहाँ पे रह सके? अब देखें, हम जब भी कभी किसी नए मोहल्ले में या किसी नए शहर में घर बसाने की कोशिश करते हैं तो पहले उसके लिए मालूमात इकट्ठी करते हैं कि भाई ये वाला एरिया जो है यहाँ के लोग शांतिपूर्ण हैं, पुरअमन रहने वाले हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या जाहिल और कट्टरपंथ तो नहीं है, क्या वो इस तरह का, हम अगर हम भी यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं तो हम अपने हिसाब से उस एरिया को जरूर मुंतखब करेंगे कि जहाँ हम और हमारे बच्चे सुकून से रहें। और जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे देश में लेकर आएगा तो क्या वो नहीं चाहेगा कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी महफूज रहे, कल को मैं उससे कमा के वापस ला सकूं अपने देश में और मेरी वो इन्वेस्टमेंट भी महफूज रहे? लेकिन क्या ऐसा माहौल पाकिस्तानी फराहम कर रहे हैं? अपनी जहालत को छोड़ने पर तैयार ही नहीं है हम लोग। क्या जड़ा वाले का किस्सा कम है? क्या सियालकोट का किस्सा कम है? या पूरे पाकिस्तान में इतने बेशुमार किस्से हैं वो कम है? क्या क्यों हम उससे सबक नहीं ले पाते और क्यों हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ पर फेल हो जाता है इन मौलवियों के आगे? मुझे तो समझ से बाहर है कि कौन सी इनके पास बंदूक है जो अभी तक आपको इतना डर है, इनका डर ही नहीं निकल पा रहा आपने। और भारत के साथ आप क्या मुकाबले की बात करते हो या किस चीज की बात करते हो? दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ सकती है, लेकिन कैसे? जैसे दुनिया वाले लेकर आते हैं, जैसे दुबई और यूएई वाले लेकर आ रहे हैं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान कोशिश कर रहा है कि क्यों उसके पास कमी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी वो आने वाले वक्त को देखते हुए अपने मुल्क का माहौल बेहतर कर रहा है, यहाँ पे लोग आए उनको किसी चीज की भी कट्टरपंथा का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो ऐसा साजगार माहौल फराहम करने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बस मार दो किसी पे, इल्जाम लगा रो मजहबी तोहीन का, और बस उसके घर को जलाओ और बस बहाना ले लो और लूट लो सब कुछ। और उस वीडियो में मैंने देखा और बड़ी शर्म की बात है, जूते जूते उठा उठा कर लेकर जा रहे थे यार, क्या औकात है एक जूते की, और उसको भी उठा उठा कर ले गए कौन? हमारे प्यारे मुसलमान भाई, बड़ी शर्म की बात भाई। देखे कि वो ये चीज है कि आपको ये नहीं पता कि वो दुकान जो है वो एक क्रिश्चियन की थी, तो ये तो सवाब का काम था जो हमने लूट लिया भाई। वो कौन सा इंसान है? वो तो क्रिश्चियन है, जिसकी हमने दुकान शॉपें हमने लूटी हैं वो तो क्रिश्चियन है। वो इंसान हो तो भाई हम जो है उसकी दुकान ना लूटे, उसका माल ना लूटे। वो कौन सा उसके, वो तो पेड़ों से जो है पैसे उतार के लाते हैं, वो रात को सोएंगे सुबह पेड़ों पे फिर पैसे लगेंगे, वो उतार के लाएंगे फिर वो शॉप बना लेंगे, उनके लिए कौन सा वो मुश्किल काम है? ये मुश्किल काम तो मुसलमानों के लिए है ना जिन्होंने लूट लिया, क्योंकि इनके पास कौन से इतने जराए हैं कि जो ये जूते खरीद ले। हमें सिर्फ बहाना चाहिए कि जो है हम माल जो है बटोर लें, और ये हमें उस वक्त जो है हमें मदद नहीं नजर आता जब हम चोरी कर रहे होते हैं, जब हम किसी का माल गजब कर रहे होते हैं तब हमें जो है हमारा दीन हमारी शरीयत नहीं नजर आती। बस हमें एक बहाना चाहिए और ऐसे हमने काम करने, और दूसरी साइड पे इंडिया देख लें कि लोग दूसरे ममालिक जो है वो इंतखाबात अपने मुल्क कंट्री में कराने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए हेल्प मांग रहे हैं कि भाई आप अपने स्किल जो है वो हमें बताएं हमें दें, हमने इस तरीके से इंतखाबात कराने को जो साफ शफाफ हो, धांधली जिसमें ना हो, ऐसे हमें स्किल बताएं। ऐसी ऐसी बातें हो रही कि मुल्क जो है दूसरे कंट्रियां जो है वो मांग रही हेल्प के भाई आप हमें इस मामले में हमें हेल्प करो, हमें इस मामले में हेल्प करो। पता नहीं किस किस फील्ड में जो है वो 100 ममालिक है, वो मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा है जो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है इस फील्ड में जो है वो कमी महसूस हो रही है, आप हमारी हेल्प करें कि जैसे आपने इस फील्ड को आगे लेके गए हैं, आपने इसको डेवलप किया है,
हमें भी बताएं कि हम भी अपने मुल्क में, अपने मुल्क के जो वासी हैं उनके लिए जाएं, उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करें। ये चीज होती है काबिलियत, जो दुनिया देखे कि भाई ये इस काबिल हैं, ये कर लेंगे, इन्होंने किया हुआ है, हम इनसे सीखेंगे तो हम भी कर लेंगे। लेकिन हमने कुछ नहीं सीखना, हमने सिर्फ तनकीद करना सीखी है और वो हमें जो है बहुत अच्छे तरीके से आती है। और दूसरा जो है, जब हमें मौका मिलता है तो दूसरों का माल जो है बटोरना या समेटना कैसे हमने, ये हमने सीखा है। इसके अलावा हमारे पास कोई स्किल नहीं है। बिल्कुल जी, अब देखिए कि उनके पास जो काबिलियत है वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे पास जो काबिलियत है वो क्या है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए ऐसा कोई नायब मुल्क हुआ तो वो हमसे आएगा और वो हमसे, हमारे मुकाबले में है कोई इतना नायब हो तो वो कहेगा कि भैया हमें भीख मांगना सिखा दो, कर्जे कैसे लेते हैं, वो भी तड़ी के साथ। जैसे निसार साहब कह रहे थे कि भाई हम भीख भी मांगते हैं तो हमने कशकोल भी डंडे के साथ बांधा हुआ है, तड़ी के साथ हम जो है ना भीख भी मांग रहे होते हैं। और ये हमारा एटीट्यूड है और ये सारी चीजें हैं। तो जब हमारा एटीट्यूड ये होगा, हमारी हरकतें ऐसी होंगी, जब हमारे नजरियात ही ऐसे होंगे कि भाई हमने मांगनी भी है, कर्जों के ऊपर ही चलना है, हमने कोई और प्लान बनाना ही नहीं है उसका मुतबादिल कि हमने कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर ऐसे ही होगा दुनिया में, दुनिया भी आपके ऊपर। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट के लिए भीख मांग रहे हो तो कोई आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब जब एनवायरमेंट करोगे तो पूरी दुनिया देखिए उमड़ आई है इंडिया की तरफ, और देखिए कि उन्होंने किसी को जाकर कहा कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट, किसी को दावत नहीं दी, उन्होंने कहा कि हमें कुछ कीजिए, नहीं, उन्होंने अपने एनवायरमेंट ऐसे बनाए, अपने आप को काबिल ऐसे बनाया है कि आज पूरी दुनिया का हर मुल्क इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से हमें वहां पे लाइसेंस मिल जाए और हम वहां पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन आप मिन्नते कर रहे हो, कशकोल उठाए फिर रहे हो, लोगों के पीछे पीछे हो, लाइनों में लगे हुए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके दोस्त मालिक जो आपके बहुत ज्यादा करीबी थे वो भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो भाई पहले अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, पहले आपको बेहतर करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी जो पुरानी स्ट्रेटजीज हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, नई स्ट्रेटजीज हैं उनको अपनाना पड़ेगा, और सबको एक लाइन में आना पड़ेगा। यहाँ पे पता ही नहीं है लाइनें कितनी लगी हुई हैं। तो वो बाहर वाला बंदा अगर कोई मान भी जाए कि भाई हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अब हमने इन्वेस्टमेंट कौन सी लाइन में जाके करनी है जो हमारी सबसे पहले खोज रहेगी। सबसे पहले तो मौलवियों को लगाम डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, मौलवी वो वाले नहीं, जो मौलवी वो वाले जो जाहिल मौलवी हैं, जो लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं, और ये बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं और लोगों को पता है। हर एक मस्जिद में जो मौलवी है उसके चेक करें क्रेडिबिलिटी कि वाकई वो मौलवी बनने के काबिल है भी या नहीं, नहीं। लेकिन हम इस पे नहीं करेंगे। और ये जो ब्लास्फेमी का कानून लाया गया है तो उन्हें मजहब का, इसके साथ एक और कानून भी ले आए कि इस मजहब को जो गलत इस्तेमाल करने वाले हैं उनके साथ आपने इलाज किया करना है। जब तक आप ऐसे कानून नहीं लाएंगे और तब तक ऐसे लोगों की रोकथाम नहीं करेंगे, तब तक आपके मुल्क में कोई नहीं आने वाला। लोग इसके डर के मारे नहीं आते। अब देखिए, टूरिज्म के लिए पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं है, लेकिन कौन सा टूरिज्म यहाँ पे हो रहा है? लोगों में एक डर का माहौल जरूर है। कोई चंद एक लोग आ जाते हैं जो थोड़ा सा बड़ा दिल करके, उनके साथ भी यहाँ पे क्या हो जाता है ये भी नहीं मालूम। तो फिर कौन सा टूरिज्म, कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन से यहाँ पे बढ़ने के मौके मिलेंगे? ये तो बस खाम ख्याली ही है हमारी कि बस कह लेंगे आ जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं? ग्राउंड पे कब तक हम लोगों से ये झूठ बोलेंगे, कब तक हम इस मजहब के पीछे छुपते रहेंगे और अपने आप को बड़ा मुसलमान करने के झूठे दावे करते रहेंगे? हकीकी मुसलमान बनना है तो उसके लिए वो इकदाम भी उठाने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे लोग आए। मुसलमान से कोई नहीं डरता, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान से जरूर डरता है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।